देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, मैं हूँ यशु शुक्ला, स्वागत है आपका यूपी क्राइम न्यूज में और रुख करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 में रायबरेली को लेकर बेहद संजीदा है और अपने एसपीसी मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी दिनेश सिंह को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 में रायबरेली को लेकर बेहद संजीदा है। अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए एमएलसी दिनेश सिंह को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इतना ही नहीं, आज भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह के नामांकन में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भाजपा के इस दावे को मजबूती भी दी है। सुबह जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी दिनेश सिंह से मिले और वहां से प्रत्याशी के नामांकन रैली में भी शामिल हुए। यह रैली भाजपा कार्यालय सुपरमार्केट से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान पूरे जनपद में लोगों ने इस रैली में भागीदारी की। भारी भीड़ के साथ निकली इस रैली का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भारी जनसैलाब सड़कों पर था। कलेक्ट्रेट पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह ने 4 सीटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें विधायक राम नरेश रावत, गिरीश नारायण पांडे, दिलीप कुमार और गंगा प्रसाद प्रस्तावक रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम ने दावा किया कि रायबरेली में भाजपा की जीत होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि रायबरेली में गांधी परिवार की विरासत वाली जीत का आखिरी चुनाव है। इस चुनाव से उनकी हार का सिलसिला शुरू हो गया है। जनपद की जनता पूछेगी विकास क्यों नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मेठी भी जा रहा है और रायबरेली भी। आजम खां के विवादित बोल पर डिप्टी सीएम नरेश शर्मा ने टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि इसका जवाब चुनाव में जनता देगी। साथ ही डिप्टी सीएम ने भाजपा प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया। वहीं नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी एमएलसी दिनेश सिंह ने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। जनता अपनी माटी के लाल को चिताएगी, जीत होती है, मतों का अंतर जनता तय करेगी। दिनेश सिंह की रहेगी, ऐसा रायबरेली के मतदाताओं ने ठान लिया है। भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने जो आशा विश्वास रायबरेली के जनता से किया था, रायबरेली की जनता उस आशा विश्वास पर खरी उतर गई है। रायबरेली के मतदाताओं ने देश के प्रधानमंत्री को मान लिया है कि अगर देश सुरक्षित है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। इसलिए रायबरेली की जनता ने भी मन बना लिया है कि एक कमल रायबरेली में खिलेगा जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट ज्ञानेंद्र अवस्थी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। मंगलवार को छाए बादलों और बूंदाबांदी को देखकर किसानों की सांसें अटकी हुई हैं। मंगलवार की सुबह अचानक मौसम बिगड़ने पर बूंदाबांदी होने से किसानों में बेचैनी बढ़ गई। मंगलवार को बदलते मौसम में किसानों की उम्मीदों को फिर से झटका दिया है। मंगलवार को छाए बादलों और बूंदाबांदी को देखकर किसानों की सांसें अटकी हुई हैं। मंगलवार की सुबह अचानक मौसम बिगड़ने पर बूंदाबांदी होने से किसानों में बेचैनी बढ़ गई। मंगलवार को बदलते मौसम ने किसानों की उम्मीदों को फिर से झटका दिया है। मंगलवार की सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई तो वहीं मौसम बिगड़ने से किसानों में बेचैनी देखने को मिली। कुछ किसान मंगलवार को अपने खेतों में गेहूं को इकट्ठा करने में लगे हुए थे और कोई भूसे को इकट्ठा करते नजर आ रहे थे। वहीं मौसम के बिगड़े मिजाज को देखकर किसान परेशानियों में आ गया। इस दौरान किसानों ने बताया कि मौसम बिगड़ने से गेहूं की खड़ी फसल में काफी नुकसान होने की उम्मीद है। अगर और तेज तूफान या बारिश आई तो किसान पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। वहीं किसानों ने चुनावों के माहौल को देखते हुए नेताओं के वादों को झूठा आश्वासन ही बताया। किसानों ने कहा कि नेता आते हैं और चुनावों के समय किसानों ने बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, पर कोई भी नेता अपने वादों पर खरा नहीं उतरता। किसान जी, अभी आप जी भूसे को इकट्ठा कर रहे हो और इतनी जल्दबाजी में कर रहे हो, मौसम ऊपर से गड़बड़ है, इसको लेकर क्या कहोगे भैया? ये इसके लिए किया जा रहा है कि मतलब बारिश जोर से आ जाए, नुकसान है जाए और रात तूफान से आया है और ज़्यादा रात को तूफान से आया है। हाँ, तो इसमें आपको नुकसान वगैरह? नुकसान है भैया, इससे किनारे कितना फैल गया है, फैल गया बस। हाँ, तो अब इसको ऊपर इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहे हैं? घर ले जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं फैले अब इसलिए। अच्छा, चुनावी हाल चल रहा है, इसको देख के अगर हम बात करें कि नेता आते हैं और वादे कर जाते हैं किसानों के लिए, तो कितना खराब होता है? क्या वादे पूरे होते हैं किसानों के? वादे पूरे नहीं होते भैया, कुछ नहीं होता है। गोवर्धन से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। एक वैसी दरिंदे टीचर ने सारी मर्यादा लांघते हुए 10वीं की छात्रा को डरा धमका कर उसकी असमत ही लूट डाली और इतना ही नहीं, मासूम नाबालिग छात्रा को गर्भवती तक कर डाला। एक वैसी दरिंदे टीचर ने सारी मर्यादा लांघते हुए 10वीं की छात्रा को डरा धमका कर उसकी असमत ही लूट डाली और इतना ही नहीं, मासूम नाबालिग छात्रा को गर्भवती तक कर डाला। पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरा साथी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जमाने से मुंह छुपाई है 10वीं की छात्रा, जो पिछले कई महीनों से शीशपाल नाम के टीचर के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी।
इसी दौरान शीशपाल की नीयत खराब हो गई और उसने जबरन 14 वर्षीय छात्रा की अचमत टूट डाली और इतना ही नहीं पीड़ित नाबालिग छात्रा को गर्भवती तक कर डाला। इस बाबत पीड़ित छात्रा ने आपबीती परिजनों को बताई तो उनके होश उड़ गए। पीड़ित छात्रा के पिता ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी थी, लिहाजा पुलिस अधिकारियों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। यह पूरा मामला बिजनौर की नगीना इलाके की पुरानी कॉलोनी का है। स्कूल में पढ़ती थी? कहाँ पे? पुरानी में। किस मास्टर के यहाँ पढ़ती थी? ट्यूशन किसके यहाँ पढ़ती थी? शिशुपाल के यहाँ। शीशपाल के यहाँ। ये कितने दिन पहले उसने गंदी हरकत करी थी? जनवरी फरवरी में। तो घर नहीं बताया था जब? उन्होंने धमकी दी थी। क्या किया था? कि तुम्हारे मम्मी पापा को मार देंगे। अच्छा, तो आज जब जब लेके गए, जब पता चला तब आपने पापा को बताया? जब बताया। पुराने गांव में एक युवती के साथ बलात्कार का मामला था, क्या कार्यवाही हुई? थाना नगीना के पुरानी कस्बे में एक लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। लड़की नाबालिग है और उसके द्वारा बताया गया कि उसके एक दोस्त और उसके एक अध्यापक ने उसके साथ बलात्कार किया है। इस बात की सूचना पर पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अध्यापक को गिरफ्तार भी कर लिया है और जो उसका दोस्त है उसकी तलाश है, इसीलिए उसे गिरफ्तार करके जेल के शिक्षकों तक पहुँचाया गया। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसके बाद भारत के साथ साथ विदेशों में भी उनके नाम का डंका बज रहा है। गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसके बाद भारत के साथ साथ विदेशों में भी नाम का डंका बज रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं बात कर रही हूँ गाजियाबाद के डॉक्टर व्रजपाल त्यागी की, जिन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला ईजाद किया है जिसके जरिए से वह कान के पर्दे का ऑपरेशन करते हैं और इस ऑपरेशन में मात्र 18 मिनट में वह पूरा कर देते हैं, जिसके लिए उन्हें लंदन से सम्मानित भी किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दें, गाजियाबाद और समस्त भारत में कान के ऑपरेशन के लिए पहले कान में चीरा लगाया जाता था, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन डॉक्टर साहब व्रजपाल त्यागी जी ने एक ऐसा फॉर्मूला ईजाद किया है जिसके बाद वह कान में बिना चीरा लगाए ऑपरेशन करते हैं और कान में पर्दा बनाने का काम भी करते हैं, जिसके बाद मरीजों को बड़ी आसानी से सुनाई देने लगता है। हमने डॉक्टर साहब से बात की और जाना कि इस ऑपरेशन में लगभग कितना खर्चा आता है, वह किस तरह से इस ऑपरेशन को करते हैं। तो उन्होंने बताया कान के ऑपरेशन में जो खर्चा आता है वह लगभग 1,20,000 तक का होता है, लेकिन गाजियाबाद और पूरे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस खर्चे को नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बीमारियों से जूझना पड़ता है। लेकिन हमने जब इस चीज़ को देखते हुए उनकी अपनी तरफ से 100 लोगों का मुफ्त कानों का ऑपरेशन करने का लक्ष्य रखा है, जिसको देखते हुए अभी हमने 74 ऑपरेशन कर दिए हैं और अभी 2 से 3 हमारे पास हैं और लगभग हम 100 ऑपरेशन पूरे कर सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर बीपी त्यागी है, मैं ENT सर्जन हूँ। ये मेरा हॉस्पिटल C43 RDC राजनगर गाजियाबाद में है और इसका नाम है हर्ष ENT हॉस्पिटल जी। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बार प्रधानमंत्री जी की 5 लाख वाली योजना चलती है वो सरकारी लाभ हो गए जी, लेकिन आपका सरकार से किसी तरह का साहूकार नहीं है, फिर भी आप जो है लोगों को मदद कर रहे हैं, फ्री में इलाज कर रहे हैं जी, क्या है पूरा मामला? इसमें एक NGO है मेरी जिसका नाम अवेकनिंग इंडिया है, उस NGO को मुझे डोनेशन मिलता है, जो हमारे कुछ साथी हैं और जो अच्छे वो हैं, जो डोनर्स हैं, वो इसलिए वो करते हैं डोनेशन क्योंकि मैं पिछले 27 साल से ये सब चैरिटी वर्क करता आ रहा हूँ और इस बार भी मैंने ये सोचा है कि मैं 100 ऑपरेशन पुअर पेशेंट्स के करूँ, वो जिनके पास आधार कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, या उनके पास BPL कार्ड है, या उनके पास आयुष्मान कार्ड है, तो मैं सबका फ्री में कर रहा हूँ और ये ऑपरेशन 7 तारीख से शुरू हो गए थे, 17 तक चलेंगे। अभी जो आपने ऑपरेशन देखा है ये 74वां था और अभी हमारे पास 2.5 दिन बाकी हैं, तो ये पूरे 100 के 100 मुझे करने हैं और इसको गिनीज बुक रिकॉर्ड इसको कवर कर रहा है। उसके साथ साथ मैंने क्या, जो अपने जूनियर डॉक्टर हैं पूरे भारत से, उनको मैंने बुलाया है और NGO की ओर से उनको बुलाया है, उनको यहाँ होटल में रखा है और उनको अपनी तकनीक सिखाई है कि मैं 18 मिनट में कैसे कान का पर्दा बना देता हूँ। ये पर्दा मैं अंदर से बनाता हूँ और बाहर कोई चीरा नहीं लगता है और बाहर कोई निशान नहीं आता। गाजियाबाद से संवाददाता राज मोहम्मद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज।
देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ जंग।